हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है लेटर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ लेटर्स के बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट की अगर बात हो तो लेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे काम हैं जो हमें लेटर पे जाके करने होते हैं, और भी कई सारे वर्क प्लेस पर लेटर वर्क इंपॉर्टेंट होता है, लेटर पे जाके काम करना। ठीक है, तो अब लेटर पे सेफ्टी हम कैसे रखें, लेटर्स कितने टाइप की होती हैं, लेटर्स के बारे में जानना भी तो ज़रूरी है। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी पे यूज़ होने वाले लेटर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम दो टाइप के लेटर्स के बात करेंगे। लेटर्स जो है वो पोर्टेबल लेटर्स के बारे में बात करेंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती हैं। ठीक है, पोर्टेबल लेटर जो रहती हैं वो वुड, मेटल, एल्यूमिनियम, फाइबर ग्लासेस से भी बनी हुई होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती हैं ये, और ये हम क्या एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, दो टाइप की लेटर होती है, एक स्टेप लेटर होती है जिसे हम ए फ्रेम लेटर भी बोलते हैं। वो ए जैसा दिखता है आपको, उसमें आपने देखा भी होगा बहुत सी जगहों पर, तो वो ए फ्रेम लेटर होता है। ठीक है, और एक होती है स्ट्रेट और एक्सटेंशन लेटर। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जैसे कि आपको ज़्यादा हाइट पे वर्क करना है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कोई खम्मा लगा हुआ है, बिजली का खम्मा है, तो वहाँ क्या स्ट्रेट लैडर ही तो हम यूज़ करेंगे। अब ए साइज़ लैडर ले जाएंगे तो इतना तो ए साइज़ जो ए फ्रेम वाली जो लैडर है, ए फ्रेम लैडर ले जाएंगे तो उस पर कैसे वर्क करेंगे, इतनी तो उसकी हाइट होगी नहीं। तो जहाँ ज़्यादा हाइट पर हमें वर्क करना है वहाँ हम यूज़ करते हैं स्ट्रेट लैडर। ठीक है, दो टाइप की लैडर के बारे में पहले बात कर रहे हैं, जो कि स्टेप लैडर और स्ट्रेट लैडर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जो स्ट्रेट लैडर रहती है वो सेल्फ सपोर्टिंग नहीं होती है। उसके लिए हमें उसे, जैसे उसे सपोर्ट देने के लिए हमें दिया तो दीवार चाहिए। ठीक है, कुछ एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि हम उसे सपोर्टेड कर सकें, और ऐसा सपोर्ट हो, ऐसा ना हो कि वो सपोर्ट के लिए रख दी, सिर्फ कोई बंदा उस पर चढ़े तो वो गिर जाए, ऐसा नहीं। हमें फिक्स्ड सपोर्ट चाहिए उसके लिए। ठीक है, मूवेबल सपोर्ट नहीं होना चाहिए। पर ए फ्रेम लैडर जो होती है उसमें क्या रहता है, वो सेल्फ सपोर्टेड रहती है। ठीक है, उसके लिए हमको ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई सपोर्ट चाहिए हो तभी हम उसे खड़ा कर सकेंगे, है ना। एक फिक्स्ड लैडर भी होती है जो कि उसी प्लेस पर फिक्स्ड रहती है, जैसे कि वाटर टैंक होते हैं, ONGCs में जो टैंकर्स रहते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर जो बड़े बड़े टैंकर्स रहते हैं उनमें फिक्स्ड लगी होती है, फिक्स्ड लैडर रहती है। तो फिक्स्ड लैडर का यहाँ कोई यूज़ नहीं है। ये दो लैडर्स के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लैडर जो रहती है वो नॉन सपोर्टेड रहती है, उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए, और ए फ्रेम लैडर सपोर्टेड रहती है, सेल्फ सपोर्टेड रहती है। अब देखिए, हमें सपोर्टिंग के लिए इस तरीके से हमें सपोर्ट करना होगा लैडर को, जो स्ट्रेट लैडर रहती है। स्ट्रेट लैडर सपोर्ट करने के लिए हमें पूरे तरीके से देखना होगा क्या ये सेफ़ है या नहीं। ठीक है, पूरी सेफ्टी का उस पर ध्यान रखना होगा सपोर्टेड लैडर के लिए। जब हम सपोर्ट उसे करेंगे तो किस तरीके से हमें उसे रखना है, किस तरीके से वो ऐसा तो नहीं हिलडुल रही हो, तो इस तरीके से हमें बैलेंस चेक भी करना होता है। ठीक है, अब क्या क्या हम लैडर में सिलेक्शन लैडर करेंगे और उसके लिए जो भी सेफ्टी रखेंगे वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, लैडर जो है वो हमेशा क्लीन और अनडैमेज्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप लैडर यूज़ कर रहे तो उसका एक जो स्टेप है वो टूटा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिफेक्ट्स डैमेज से वो फ्री होना चाहिए, ऐसा ना हो वो डिफेक्टेड हो या डैमेज्ड हो। ठीक है, आप जो लैडर है उसको मूव कर सकें एक जगह से दूसरी जगह और वर्क उस पर कर सकें प्रॉपरली। ठीक है, और जो लैडर है उसे एंगल्ड कर सके आप प्रॉपरली 75 डिग्री पे। ठीक है, मेंटेन किस पे करना चाहिए, हमें 75 डिग्रीज पे उसे मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, कोई लैडर पे कोई भी बॉक्सेस, टेबल्स, ट्रक्स, मूवेबल ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स नहीं रखने चाहिए। ठीक है, अब क्या हमें पोजीशन ऑफ लैडर कैसे, पोजीशन ऑफ लैडर की बात कर रहे हैं, ये देखिए सिलेक्शन ऑफ लैडर में तो यही है, मतलब जो लैडर है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली रहनी चाहिए, उसके ऊपर कोई सामान नहीं, हमें एक्स्ट्रा सामान नहीं लेके जाना है, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। ठीक है, उसके बाद हम जब पोजिशनिंग कर रहे हैं उसमें दो तीन चीज़ें और हमें चाहिए रहेंगी, वो क्या क्या हैं। देखिए, इस तरीके से हम उसकी पोजीशनिंग करेंगे। ठीक है, पोजीशनिंग में हमें एक चीज़ और देखनी है, जब हम सपोर्ट के लिए उसे रख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने किसी डोर के सपोर्ट से लगा दिया तो डोर खुला तो वो लैडर ही गिर जाए, है ना। आपने कुछ ऐसी चीज़ के साथ उसे सपोर्ट कर दिया, जैसे कि जहाँ पे गार्ड रेल्स का यूज़ नहीं हो, आपने कहीं हाइट पे रखा है, उसे हाइट के लिए यूज़ किया, वहाँ पे गार्ड रेल्स नहीं है, और जो मूवेबल सपोर्ट जो उसका पीछे का वो फिक्स्ड नहीं है, मूवेबल है, तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं एक्सीडेंट्स के, तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है।
ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमें लैडर सेफ्टी पर ध्यान देना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम उसे सपोर्टेड कर रहे हैं तो देखिए हमने तो सपोर्ट करके उसे दिया, तो जो भी वर्कर जा रहा है, कोई भी पर्सन जा रहा है, तो उसको तो मतलब सेफ़ रहना ज़रूरी है ना। अगर वो सेफ़ नहीं है तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो लैडर सेफ्टी में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या क्या कर रहे हो उसके लिए, मतलब जो आप लैडर यूज़ कर रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या वो वेल कंडीशन में है, जो आपने सपोर्ट प्रोवाइड किया सपोर्ट आपने ठीक से प्रोवाइड किया है या नहीं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो लैडर है, लैडर के बारे में मैंने आज आपको बताया। लैडर देखिए बहुत सारे हाइट के वर्क्स जो होते हैं उसके लिए हमें यूज़ होती है। अब हाइट के वर्क हैं, हमें लैडर यूज़ करनी है, तो लैडर की सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना। तो सेफ्टी के बारे में भी मैंने आपको बताया। पोजीशनिंग कैसे करेंगे, तो हमें उसे ऐसे पोजीशन करना है कि 75 डिग्रीज का एक एंगल बने और वो ठीक से सपोर्टेड हो जाए। सपोर्टेड जहाँ भी कर रहे हैं वो एक फिक्स्ड प्लेस हो, दीवार हो, कोई पोल हो, इस तरीके से चलेगा। पर अनफिक्स्ड टाइप का कोई भी सपोर्ट उसे नहीं प्रोवाइड करना, जैसे कि कोई डोर पे आपने उसे सपोर्ट कर दिया तो क्या होगा, डोर अगर खुलेगा तो लैडर गिर जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आज ही मैंने आपको लैडर के बारे में बताया क्योंकि कंस्ट्रक्शन में लैडर्स यूज़ की जाती हैं और भी सारे वर्क प्लेस पे वर्क के लिए यूज़ की जाती है लैडर्स, पर इसमें क्या है, हम पोर्टेबल लैडर्स यूज़ करते हैं, तो उसी के बारे में मैंने आपको बताया। सो थैंक यू।